प्रख्यात गायक सुदेश भोसले का पहली बार सफेद शेरों की भूमि रीवा में आना हुआ है। पार्श्व गायक मिश्रा परिवार में हो रहे तिलकोत्सव समारोह में उपस्थित मेहमानों को अपने गीत संगीत से मंत्रमुग्ध करेंगे। आपको बता दें कि अधिवक्ता विभूति नयन मिश्रा और डॉक्टर अमृता पांडे के शुभ तिलकोत्सव के अवसर पर 6 दिसंबर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में सुदेश भोसले एवं उनकी टीम के द्वारा संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। मिश्रा परिवार और पांडे परिवार इस सादी रस्म की तैयारी एवं आगंतुकों के स्वागत के लिए आतुर हैं। सुमन वाटिका में मेहमान नवाजी के लिए मिश्रा परिवार द्वारा एवं उनके संबंधित जनों द्वारा बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा लिया जा रहा है। सुमन वाटिका पहुंचे सुदेश भोसले ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए खास चर्चा की है और पहली बार बिंद की धरती पर पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। आइए आपको सुनाते हैं विश्व विख्यात पार्श्व गायक सुदेश भोसले ने क्या कहा है। रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, ये लाला की आवाज थी। क्यों तकलीफ देते हो, तलवार को फैसला करने दो। अच्छा, ये वो उपकार का एक डायलॉग सुना देता हूँ, जो वो गाना ना कसमे वादे प्यार, उसे मनोज कुमार जी से कहते हैं, हर युग में राम ने जन्म लिया लेकिन लक्ष्मण पैदा नहीं हुआ। क्या बात, मोछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो, है हमारी जिंदगी का तंबू तीन बम्बुओं पे खड़ा है, शायरी शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू उखड़ जाएगा। पैसे वैसे ठीक है सब। रीवा किस लिए आए? पंडित जी ने याद किया, आ गए हमारी पूरी टीम के साथ। इनके घर में शादी है तो आए हैं, और फैमिली जैसा माहौल है सारा। जितने गेस्ट आएंगे उनके लिए थोड़ा मनोरंजन खुशी का माहौल है। तो हमारे म्यूजिशियंस हैं और ये हमारे दो सिंगर्स हैं, मदन शुक्ला मोना कामत जी, तो कार्यक्रम करेंगे भैया। सबसे ज़्यादा आपने प्रोग्राम इंडिया में भी किए, बाहर भी किए, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में प्रेम आपको कहाँ मिला? अब इतने हम खुशकिस्मत हैं कि लोग बहुत प्यार करते हैं हमको। हिंदुस्तान के बाहर भी, मतलब दुनिया के किसी भी जगह हम जाते हैं तो हमें प्यार मिलता है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, अफगानीज़ हैं, जहाँ जहाँ हिंदी फिल्में, बांग्लादेशी, जहाँ जहाँ हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, वो सारी जनता जो पूरे विश्व में फैली हुई है, तो बहुत प्यार करते हैं लोग। मुंबई में तो अच्छा होता है, बंगाल में बहुत लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं। बंगाल की एक खासियत यह है कि पुराने गाने और नए गाने दोनों, यंग और बुज़ुर्ग दोनों सुनते हैं, और बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मैं पुराने भी गाता हूँ, नए भी गाता हूँ, तो लोगों को अच्छा, और मैंने हमेशा सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया है तो लोगों को अच्छा लगता है। बाजू में कल्याण जी, आनंद जी के आनंद जी भाई थे, उनकी पत्नी बैठी थी, और मेरे सामने एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने अवार्ड लिया किस गाने पे, अपनी तो जैसे तैसे, जो मिका सिंह ने गाया, ओरिजिनल लावारिस का किशोर दा ने गाया, कल्याण जी आनंद जी की संगीत रचना है वो। उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने अवार्ड लिया और आनंद जी भाई का नाम भी नहीं लिया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब जगह होता है, हमारे देश में नहीं होता। मतलब क्या है, एक बार जब आप गा देते हो ना, तो वो प्रोड्यूसर जो है, वो जो गाना है वो म्यूज़िक कंपनी को बेच देता है, वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, वो जिससे चाहे बेच सकते। जैसे वो गाना है ना सिम्बा में, आँख मारे, वो एक्चुअली म्यूज़िक डायरेक्टर विजू शाह है, कल्याण जी भाई के बेटे, किसी को नहीं मालूम। और कुमार शानू है ओरिजिनल सिंगर, कंपनी ले लिया। एग्जैक्टली इस पे रहता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ जब मैं जो भी करता हूँ, गाना गाता हूँ या मिमिक्री करता हूँ, लोग जब हंसते हैं, नाचते हैं, तो वो मेरी सफलता है इतने 40 सालों की। और मैं अभी अपने आप को गायक या कॉमेडियन वो नहीं समझता, मैं सोचता हूँ मैं एक एंटरटेनर हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि दो घंटे में आपको कोई ज्ञान नहीं देना है मुझे,
मतलब क्लासिकल इसका, बस 2 घंटे आपको खुश करना है और अच्छी तरह, मतलब क्लीन संगीत, सच्चा प्योर संगीत और कॉमेडी करके। जी जी, ऐसा कौन सा नेता था गायक बनने में अपना आवाज़ देने में आप कुछ लगा सकते इस समय जरूर आवाज़ नहीं नहीं मैं एक्चुअली मुझे किशोर कुमार जी को सुन के लगा के मैं गाऊं, लेकिन पहले मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, मतलब इतनी पतली थी कि मैं फीमेल सॉन्ग्स बिना आवाज़ चेंज किए गाता था और मुझे चिढ़ाते थे लोग, अरे लड़की। और कुछ सालों बाद 18-19 साल के बाद डायरेक्ट जोरा जान दरवाज़ा खोल दे ऐसी एक आवाज़ निकली और फिर उस वॉइस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और अमित जी ने जब मुझे सुना तो बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता नहीं चलेगा, ये ऊपर वाले ने सोच लिया था कुछ और मैं उनकी आवाज़ बन गया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। और कुछ कुछ चीज़ें मैंने सोची नहीं थी, मैं तो 22 साल तक मैं पेंटर था, मैं फिल्म के पोस्टर्स पिताजी के साथ पेंट करता था, मुझे पता ही नहीं था कि ये गाना वाना मैं करूँगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कहते ना एक 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 चीज़ें भगवान रखता गया। और लेकिन मैं आपसे, मतलब मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारी एज के लोग यही कहेंगे कि आज का संगीत ख़राब है, लेकिन आप उन यंग लोगों को पूछोगे तो वो बोलेंगे वही अच्छा है, अब क्या करें। लेकिन संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टैलेंट है, नई जनरेशन को ना प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। हमारे हम लोग क्या करते हैं ना, मेरे ज़माने में ऐसा था, तुम लोग क्या कर, ये यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, वो गलत बात है। तो नई जनरेशन अपने हिसाब से टैकल करके बिल्कुल, क्योंकि हमारे से पहले मोबाइल सारा कुछ सिखा देता हूँ उनको, मतलब जो अच्छा है वो पहले तो सबको ना, मुझे तो लगता है स्कूल से ही ना सबको मेडिटेशन और योगा सिखाना चाहिए कंपलसरी। और ये जो माँ बाप गलती क्या करते हैं, आपको फर्स्ट आना है, ये सबसे घर से ही शुरू होता है सर, कि अच्छा इंसान बना उनको, डिग्री विग्री नहीं। सफ़र मेरा मतलब म्यूजिकली सफ़र बहुत अच्छा रहा, सबसे अच्छा ये रहा कि किशोर दा जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनके साथ 82 से 87 तक उनके साथ लगभग हर शो में मैं, वो मुझे ले जाते थे। फिर 1986 से अभी तक आशा जी के हर शो में मैं रहता हूँ, अभी वो 90 साल की हुई। लता जी के साथ वर्ल्ड टूर्स किए हैं, साथ में गाए हैं। बच्चन साहब का जब मैंने पहला गाना गाया, मतलब जो पहला गाना हिट हुआ मेरा चुम्मा चुम्मा, तो उसके बाद वो जब भी कार्यक्रम करते तो मुझे ले जाते साथ में। तो अगर आप वीडियोस देखेंगे पुराने तो बच्चन साहब भी गा रहे हैं और मैं भी स्टेज पे उनके साथ उनकी आवाज़ में गा रहा हूँ। तो ये इंडस्ट्री के हमारे जो इतने बड़े दिग्गज कलाकारों ने बहुत प्यार दिया और जनता भी बहुत प्यार देती है। और मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ ना कि एक एक कदम कदम पर मुझे एक एक गुरु मिलते गए, अच्छी ऑडियंस मिलती गई, अच्छे दोस्त मिलते गए और अच्छी गाइडेंस मिली मुझे लता जी, आशा जी, किशोर दा और अमिताभ बच्चन साहब। मैंने गिना तो नहीं लेकिन 40 साल हुए मुझे स्टेज पर और इंडस्ट्री में गाते हुए, 1982 से मैंने स्टेज पर गाना शुरू किया। रीवा नाम तो सुना था, ये हमारे मित्र हैं, कल गाएंगे इनका भी, ये यहीं के हैं। कहाँ के हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज के हैं, तो इनके बड़े भैया भी यहाँ पे बड़ी पोस्ट पे हैं, तो इसलिए इनको भी खास ले आया कि लोकल बंदा भी साथ में रहे, शो से पहले और शो के बाद अच्छा खाना कहाँ मिलता है, ढाबे वाबे ढूंढे। तो रीवा का नाम तो सुना था, जबलपुर में आया हूँ बस में। पहला गाना आपका कौन सा जिसने आपको काफी पॉपुलरिटी? जुम्मा चुम्मा दे दे गाया मैंने, लिया उन्होंने चुम्मा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मिलता भाव बिल्कुल, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये जो जनरेशन है उनको वही अच्छा लग रहा है।
मतलब दुर्भाग्य से यही फैक्ट है। नहीं नहीं आप मैं जो फरमाइश आती है तो पुराने गानों की बिल्कुल, और आजकल नहीं अभी नई फिल्मों के गाने भी क्या आ रहे, वही कॉपी हो रहे बार बार। जो कंपोजिंग करने का जो एक टैलेंट था ना वो है नहीं। एक सिंथेसाइजर ने 100 म्यूजिशियन को घर पे बिठा दिया, आजकल वही चल रहा है। नहीं नहीं बहुत गलत है। आप रियलिटी शोज देखते हो, बच्चे क्या गाते हैं? सिर्फ पुराने लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब के क्लासिकल गाते हैं। ये कौन करता पता है? ये म्यूज़िक कंपनियां करवाती हैं। हमको पॉप चाहिए, ये गाना पाकिस्तान में अच्छा चल रहा है इसको छाप दो, ये गाना अमेरिका में इसको छाप दो। बेचारा करेगा क्या? उसको करना पड़ता है, नहीं तो घर बैठो। हाँ नहीं मैं ये हम मैंने वही कहा ना, गाइडेंस की ज़रूरत है। ये नए म्यूजिशियंस की या नए गायक गायिकाओं की गलती नहीं है।